हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि अभी हम लोग फिलहाल 2020 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक में हम लोगों ने 3 साल के मॉडल पेपर को कम्प्लीटली कवर किया है, 2017, 2018 और 2019। जो भी बच्चे उस मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं, आप उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे मॉडल पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 के मॉडल पेपर का पार्ट 2 कवर करेंगे और अब से जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो मॉर्निंग में 9:30 में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर को, और रात के 9 बजे जो क्लासेस चलेंगी उसमें हम लोग चीजों को रिवाइज करेंगे। पहले रिविजन सीरीज को कंप्लीट करेंगे, फिर एक बगल से मॉडल पेपर को भी कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक, एग्जाम के दिन तक भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा, बस इंटरनेट की सुविधाएं हमारे तरफ सही चलनी चाहिए और चलेगी। अब नॉर्मल सिचुएशंस आ गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना एकदम मस्ट है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शाम को क्लास हो सके ना भी हो, क्योंकि मेरे को भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अगर टाइम मिला तो मैं मैक्सिमम चांस है कि मैं शाम को भी आपसे क्लासेस लूंगा, तो आपको यहीं पर नोटिफाई करूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए उदित एकेडमी को, देन आपको यहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स मिलता है और रेगुलर बेसिस पे क्विज भी प्रोवाइड कराया जाता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक टारगेट मिनिमम 200 है, कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन है कि? क्वेश्चन है हृदय चक्र के दौरान क्या होता है। तो आपको पता है क्या हृदय चक्र क्या होता है? हृदय चक्र को इंग्लिश में हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं, और कार्डियक साइकिल कहने का अर्थ हुआ कि देखिए जब हमारा हृदय क्या होता है, धड़कता है, ये भी आपको पता है कि हमारे हार्ट बीट होता है। हार्ट क्या होता है? बीट होता है। तो जब हमारे हार्ट का एक मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार, 72 टाइम्स। तो हमारे हृदय का जो एक धड़कन है, एक बार धड़का, उसके बाद नेक्स्ट फिर से जब धड़कना स्टार्ट हुआ था, उस बीच के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? एक हृदय चक्र कहते हैं। मतलब यदि एक बार धड़कना हुआ तो दूसरा जब तक धड़कना स्टार्ट ना हो जाए, पहला स्टार्ट हुआ, पहला का शुरुआत से पहला का एंड तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। मतलब यानी एक मिनट में यदि 72 बार हृदय धड़कता है, तो मतलब है कि एक मिनट में हमारे पास, हमारे हृदय में कितना चक्र चलता है? 72 चक्र चलता है, ठीक है। और एक हृदय चक्र को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है? उतना ही टाइम लगेगा जितने बार एक हार्ट को बीट करने के लिए टाइम लगता है, मतलब 0.8 सेकेंड। कल के रिविजन सीरीज में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बार हार्ट को बीट करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। इतना बातें समझ में आ गए। देखिए हृदय चक्र में ऐसा होता है कि अभी ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, तब ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। देखिए दाया निलय किसको कहते हैं? नीचे वाले को। और दाया निलय हो गया क्या? राइट वेंट्रिकल। और बाया निलय क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है सेम अमाउंट में, वो ऐसा नहीं होता है। ब्लड अमाउंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, समान रक्त नहीं होते हैं। दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। जी हाँ, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। जी हाँ, मैंने बोला कि ये क्या होती है? अलग अलग होती है, सेम अमाउंट पे नहीं होता है, क्लियर। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक आलिंद द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग होती है। जी नहीं, रुधिर जो आलिंद के द्वारा जो रुधिर की मात्रा प्राप्त होती है वो सेम अमाउंट में होती है, सेम अमाउंट में, लेकिन निलय के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है वो अलग अलग मात्रा में होता है, क्लियर। समझ रहे ना कि जो आलिंद के द्वारा जो ब्लड को एक्सेप्ट किया जाता है वो सेम अमाउंट का होता है, लेकिन निलय के द्वारा जो होता है वो अलग अलग अमाउंट का होता है, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट मिल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इस, अब टाइम आ गया कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा ये कि लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचना भाग लेते हैं। देखिए लघु बीजाणु जनन किसको कहते हैं? लघु बीजाणु जनन मतलब क्या हुआ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर यानी क्या हुआ कि मेल गैमेट, क्या? नर युग्मक। और पुष्प में नर युग्मक क्या होता है? क्या होता है? परागकण होता है, यानी एंथर होता है। तो परागकण वाला बात है यहाँ पे, मेल वाला बात है, यही दीर्घ बीजाणु जनन बोलता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो वो किसके लिए हो जाता? महिला के लिए हो जाता, यानी मादा युग्मक, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन में कौन सा पार्ट लेगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
है कि नहीं, फ्लावर का कौन सा पार्ट लेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसी को हम लोग देखेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। फ्लावर में क्या कहते हैं, स्टैमेन, हिंदी में बोले तो पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर का ही जो पार्ट है, जैसे कि पराग कोश हो गया, तंतु तो नहीं पार्टिसिपेट करता है, तंतु का काम है कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना, लेकिन मेनली काम है पराग कोश में हमारा क्या होता है, पराग कोश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका काम क्या होता है, लघु बीजाणु जनन में हेल्प करता है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखने से ही हमारे को पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पुंकेसर, जी हाँ पुंकेसर, ये पूरे स्टामिन को ले लिया, अब तो पक्का सही होगा। लघु बीजाधानी, जी हाँ लघु बीजाणु जनन जो किसमें होगा, लघु बीजाधानु में, बीजाणुधानी में होगा। और फिर परागकण, जी हाँ भैया लघु बीजाणु जनन के दौरान क्या बनता है, हमें परागकण ही तो मिलता है, तो इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। कि क्या सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ रहे हैं, लघु बीजाणु जनन अर्थात क्या बनना है, परागकण बनना है। और परागकण बनने में कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं, तो पुंकेसर लेती हैं क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फिर लघु बीजाणुधानी लेती हैं एवं परागकण। तो ऑप्शंस पढ़ के भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में एक भी ऑप्शन यदि आपको मिल जाता है, ऑप्शन का एक भी वर्ड, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। जो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग इंग्लिश में पैथोजेन कहते हैं, क्या कहते हैं, पैथोजेन, और हिंदी में हमारा वो क्या कहलाता है, रोगजनक, ठीक है। चाहे वो पौधा का हो या फिर जीव का हो, अगर उसमें रोग उत्पन्न कर रहा है तो उसे हम लोग रोगजनक कहते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से एटीपी बनता है। तो देखिए जो एटीपी बनता है वो आपको याद रख लेना है कि जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 से, मतलब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 तक जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तब एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, तो एडीपी, एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाया जाता है, और 2H+, कितना 2H+ आयन को मिलाया जाता है, तब जाके एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितना एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। लेकिन आपको इतना बात अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं कि एटीपी जो बनता है वो किस इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के दौरान बनता है, तो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 तक जाने में एटीपी का निर्माण होता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं बाह्य मुकुलन किसमें होता है। सबसे पहले मुकुलन हमने बताया था इंग्लिश में बोले तो बडिंग, और बडिंग में हमने एग्जांपल दिया था, दो एग्जांपल, एक हाइड्रा और दूसरा ईस्ट। क्या दोनों में एक्सटर्नल होता है, बाह्य मतलब बाहर की ओर बड बनता है, जी हाँ बड मतलब एक कली जैसा देखिए बना है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है, न्यू हाइड्रा बन जाता है। जस्ट इसी प्रकार से आपको इसमें भी मिलेगा देखने को, ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ईस्ट सेल है, इसमें थोड़ा सा इट डेवलप हुआ बड, उसके बाद थोड़ा सा अलग होने की कोशिश है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा बड बन जाता है। तो ये किस में है, ईस्ट में है, ईस्ट में भी बडिंग है, और आप जो इसमें देख रहे हैं उसमें क्या है, हाइड्रा में बडिंग है। तो हमारा जो दोनों में बडिंग हो रहा है यानी मुकुलन हो रहा है, दोनों में आप देख रहे हैं कि बॉडी से बाहर की ओर बन रहा है ना बड, यानी मुकुलन जो हो रहा है बॉडी से बाहर की ओर आ रहा है। इसी कारण से जो बाह्य मुकुलन होता है वो किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में, यानी बोथ ऑप्शन हो जाएगा ए एवं सी, क्लियर। अब हमें कौन बताएगा, कोई बच्चे बताइए कि मर्केंसिया जो प्लांट है, मैंने पढ़ा रखा है कि मर्केंसिया प्लांट जो है वो पादप जगत के किस डिवीजन से बिलोंग करता है, किस डिवीजन से, यानी टेरिडोफाइट से या फिर ब्रायोफाइट से या फिर एल्गी से या फिर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो मैं आपको बताता हूँ, मर्केंसिया प्लांट जो है वो ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है, किससे, ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन, देखिए ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली है, थोड़ा आप अगर अपना कॉमन सेंस लगाइएगा तो क्लियर हो सकता है कि लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक विभिन्न दर्शाती है। मैंने आपको बताया कि देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लैंगिक जनन द्वारा जो जो भी संतति उत्पन्न होते हैं वो अलैंगिक
लैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जी हाँ, डिफरेंट होंगे, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए क्या होता है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और उस दोनों के बीच सेक्स कराया जाता है। देन जो बच्चा होता है, जेन जो जायगोट बनता है, जैसे कि मेल गैमिट अलग हुआ स्पर्म, फीमेल गैमिट क्या हुआ ओवम, दोनों को मर्ज कराता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन जायगोट बनता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म का जेनेटिकल कॉम्बिनेशन कुछ अलग है, फिर ये जो ओवम का है उसका अलग है, तो जो ये दोनों है स्पर्म और ओवम, ये दोनों का अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, फिर वो दोनों जाके मिलता है, तब एक नया, इसी कारण से लैंगिक जनन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन अलैंगिक जनन में अकेले कोई पेरेंट है, अगर वो अपने बॉडी को डिवाइड कर लेता है तो दो वो बच्चा बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी मतलब वेरिएशन नहीं आ पाता है। इस कारण से अलैंगिक जनन के द्वारा जो बच्चे बने होते हैं उसके तुलना में लैंगिक जनन के द्वारा जो बच्चे बने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो आप पहला नंबर ऑप्शन पढ़िए, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारा, लैंगिक जनन लंबा प्रक्रम है। जी हाँ, लंबा प्रक्रम तो है, लेकिन ये जो वेरिएशन वाली बात है, विभिन्नता वाली बात, वो इससे लेना देना नहीं रखता है। जनकों के युग्मकों के अनुवांशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। जी हाँ, जनकों का जो युग्मक है यानी स्पर्म और ओवम में अनुवांशिक संगठन यानी जेनेटिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो गुणात्मक यानी जो अलग अलग भिन्नता मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन का होता है। क्लियर? समझ रहे ना? इस प्रकार से इसी कारण से जो लैंगिक जनन द्वारा जो निर्मित संतति है वो अलैंगिक जनन के द्वारा निर्मित संतति के तुलना में बहुत डिफरेंट होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषम युग्मजी प्रकार के क्या है? विषम युग्मजी प्रकार के मुख्य निम्न पादप में से कौन है? विषम युग्मजी क्या होता है? हेटरोगैमस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हेटरोगैमस कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो मेल गैमिट हो और फीमेल गैमिट हो वो दोनों डिफरेंट हो, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों अलग अलग दिखता हो। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में, हम लोग एक विषम युग्मजी प्राणी हैं, यानी हेटरोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि मेल का स्पर्म अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और स्पर्म ओवम का स्ट्रक्चर अलग होता है। क्लियर? उसी तरीके से उसको हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ हैं, जैसे कि लोअर प्लांट्स हैं, जैसे कि एल्गी में है कुछ कुछ, जो कि आइसोगैमस होते हैं। आइसोगैमस यानी समयुग्मजी, और समयुग्मजी कहने का तात्पर्य हुआ कि उसमें मादा युग्मक हो या नर युग्मक हो, दोनों बिल्कुल एक समान दिखते हैं, आप डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, देख के पहचान नहीं पाएंगे। क्लियर? तो सम उसी प्रकार से यहाँ पे है कि जो आपको पहले याद रखना है कि समयुग्मजी कौन कौन से हैं। तो आपका जो यूलोथ्रिक्स का प्लांट होता है, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों क्या है? समयुग्मजी का एग्जांपल है। क्या है? समयुग्मजी का, यानी आइसोगैमस का एग्जांपल है। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है ये चीजें। ठीक है, यूलोथ्रिक्स आप कहीं लिख के रख लीजिए, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों आइसोगैमस है यानी समयुग्मजी है, यानी यहां पे मेल और फीमेल गैमेट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक देखने में समान होते हैं। क्लियर? लेकिन जो ये कारा का प्लांट है, क्या कारा, इसको इंग्लिश में CHARA कहते हैं, जो कारा का प्लांट है ये विषम युग्मजी है, जो कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये आपका क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में ये डायग्राम दिया हुआ है NCERT में। क्लियर? तो ये जो कारा का प्लांट है इसमें फीमेल अलग होता है, फीमेल सेक्स का मतलब जो ऑर्गन है वो अलग दिखता है, और मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है अलग होता है, और गैमिट भी अलग अलग दिखता है। जैसे कि अगर जो आप देखेंगे, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोग एंथीरिडियम कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, गोल टाइप का, लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यूगोनियम, वो इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको हम लोग हेटरोगैमिटी के अंतर्गत मानते हैं, और इसमें क्या है, ये इसका गैमिट भी डिफरेंट दिखता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको हेटरोगैमिटी में माना जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघु बीजाणु जनन के दौरान, क्लियर, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैं अभी तुरंत बताया कि लघु बीजाणु जनन कहने का तात्पर्य हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन यानी परागकण का निर्माण। क्या? परागकण का निर्माण, और परागकण का निर्माण किसमें होता है, पुरुष में। ठीक है, पुरुष यानी मेल का है, मेल फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट है ना, और जो ओवम होगा, अंडाणु होगा, वो फीमेल का होगा, तो ये जो उसको दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखिए कि लघु बीजाणु जनन क्या है, वो पोलन ग्रेन है। क्लियर,
तो पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु जनन मातृत्व कोशिका में, किस में, जो लघु बीजाणु बनाएगा उसके मातृत्व कोशिका में मियोसिस होता है। मियोसिस कहने का अर्थ होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के दो फेज होते हैं, मियोसिस वन होता है, मियोसिस टू होता है। जैसे कि यहाँ पे यदि 2n है इसका, क्या है ये डिप्लॉयड है, तो मियोसिस वन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी n यानी दोनों हैप्लॉयड हो जाएगा। फिर मियोसिस टू होने के बाद जो अपने जैसा n चारों बना लेगा, दोनों दो दो बना लेगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेट्राड बन जाएगा, क्लियर। लेकिन जो माइक्रो मियोसिस हो रहा है यानी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है वो किस में हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, किस में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ओके, तो वही यहाँ पे आपको ऑप्शन खोजना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो आपको दिख रहा होगा लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, क्लियर, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें मियोसिस वन हुआ तो दो गो बना, ठीक है, क्या हुआ, मियोसिस वन, आप क्या लिखेंगे, मियोसिस वन हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस टू होता है, ये अपना अलग दो को बनाएगा, फिर ये अपना अलग दो को बनाएगा, ये मियोसिस टू हुआ, ठीक है। और यहाँ पे यदि 2n था हैप्लॉयड, इसका हैप्लॉयड ये जो डिप्लॉयड था, तो वो जो बनाएगा फिर हैप्लॉयड बनाएगा, फिर उसके बाद जो बनेगा वो भी सारा क्या बन जाएगा, गैमिट हैप्लॉयड बन जाएगा। इस प्रकार से कुछ होता है मियोसिस, क्लियर हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा फिर से, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो अभी एग्जाम का टाइम है, आप समझने पे कम रटने पे फोकस ज़्यादा कीजिए। सीधा याद कर लीजिए कि लघु बीजाणु जनन का जो दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड काय अधिक विकसित होता है, जो बीजांड काय है यानी ओव्यूल, क्या ओव्यूल होता है वो किसमें अधिक विकसित होता है, तो स्थूल बीजांड काय में, किसमें, ये भी आपको सीधे याद रखना है कि बीजांड काय जो अधिक विकसित होता है वो किसमें होता है, स्थूल बीजांड काय में विकसित होता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉर्मोन्स, क्या है, हॉर्मोन्स जो रुधिर में पहुंचकर संपूर्ण शरीर में संचारित होते हैं वो कौन से हॉर्मोन हैं, जो देखिए रुधिर में प्रयुक्त होना, क्या बोल रहा है कि रुधिर में प्रयुक्त होकर, रुधिर में पहुंचकर, तो जो हॉर्मोन है वो डायरेक्ट ब्लड में आता है, क्यों, क्योंकि जो हॉर्मोन है उसके लिए कोई डक्ट नहीं बना होता यानी कोई नलिका नहीं बनी होती है, उसका जो सिक्रीशन होता है डायरेक्ट ब्लड में होता है, मतलब हुआ कि हॉर्मोन का जो श्रवण होता है वो सीधा सीधी ब्लड में होता है और ब्लड के द्वारा वो हर जगह फैलता है, तो हर जगह पहुँचता है अपने टारगेट ऑर्गन तक। लेकिन जो आप बात करेंगे जो हार्मोन रिलीज होता है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है, आपको मैंने पढ़ाया है कि ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन कहते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि के सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, क्लियर। एंजाइम के लिए डक्ट होता है यानी नली होता है, लेकिन हार्मोन के लिए कोई नली नहीं होता है, हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और रक्त के द्वारा ही वो अपने टारगेट जहां पे भी उसको जाना है वहां तक पहुंचता है, क्लियर। तो हार्मोन जो है वो क्या होगा, अंतःस्रावी हार्मोन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि जो इसका सिक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। और हमने कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम भी आपको बताए थे जो कि आपको पोजीशन के साथ याद रखना है कि कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे जो उसकी सबसे एक ये भी याद रखना है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है, कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है, क्लियर। और आपको पोजीशन के साथ क्या याद रखना है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन कौन सा, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और पिनियल ग्लैंड है, क्लियर, समझ गए। और फिर आपको पता होना चाहिए गर्दन के पास पाया जाने वाला जो ग्लैंड है वो कौन कौन सा है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है। फिर जो हमारे थोरेक्स रीजन में, वक्ष गुहा, थोरेसिक चैम्बर में पाया जाने वाला है यानी लंग्स यानी फेफड़ा के पास पाया जाने वाला ग्लैंड है वो हमारा थाइमस ग्लैंड है, क्या है, थाइमस ग्लैंड है। और थाइमस ग्लैंड क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और आपको पता है यही थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि है जो कि उम्र के साथ जैसे जैसे वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं लोग उसके साथ ये धीरे धीरे घटने लगती है, जिस कारण से वृद्ध लोगों का क्या होता है, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इसलिए बूढ़ा आदमी ज़्यादा बीमार पड़ता है, क्लियर।
और फिर आप बात करें तो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज एक प्रकार का हेटेरोक्राइन यानी मिश्र ग्रंथि है, ये एंडोक्राइन के जैसा भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन के जैसा भी बिहेव करता है। जब ये एंडोक्राइन के जैसा बिहेव करता है तो इसके एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंग्स कहते हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंग्स में चार प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पी सेल। देखिए चीज़ों को रिवाइज इसी तरीके से करना है, रिलेट करके पढ़ना है। अब आपको पेनक्रियाज के बारे में मैं एक मिनट में दो मिनट में सारी बातें बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक है? ठीक है, अब समय कम है तो हम लोग रिवाइज करते हुए भी पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे भी तो चीज़ों बैक वाली चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, जो लगातार क्लास कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा सब चीज़, ठीक है? तो पेनक्रियाज में चार प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पी सेल। फिर आपको पता होना चाहिए अल्फा सेल क्या सिक्रिएट करता है, ग्लूकागोन सिक्रिएट करता है, और ग्लूकागोन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। कैसे कम करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजेन को लीवर में, ग्लाइकोजेन जो बनता है वो कहाँ स्थित होता है, लीवर में जाके प्रेजेंट होता है, ठीक है? फिर बीटा सेल क्या सिक्रिएट करता है, इंसुलिन सिक्रिएट करता है, इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। टेक वन सेकंड, सॉरी शायद मैंने ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है? ग्लूकागोन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, कैसे, लीवर में प्रेजेंट ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल के। लेकिन जो इंसुलिन है जो कि बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट होता है वो क्या होता है, जो इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, कैसे, कि तो हम जो हम ग्लूकोज खाते हैं अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है, क्लियर? फिर हमारा क्या होता है कि ये डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करता है, तो डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, और पी सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, क्लियर? तो पेनक्रियाज के बारे में बस इतना जान लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को FFF हार्मोन कहते हैं, फ्लाइट फ्राइट और फ्राइट हार्मोन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन को जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो यही हार्मोन आपको एक्टिव करता है। फिर फीमेल में ओवरी पाया जाता है और मेल में टेस्टिस पाया जाता है, क्लियर? इस तरीके से चीजों को हमने रिवाइज किया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संदिप्त निम्न में से किस संघ की विशेषता है? तो जी, जैव संदिप्त कहने का तात्पर्य यह है कि जैव संदिप्त मतलब हुआ कि उसके बॉडी से लाइट स्कैटर्ड होता है, मतलब वो उसके शरीर चमकता है। अगर आपके शरीर से जैसे कि लाइट यदि चमकता हो तो आपके जीव आपको क्या कहेंगे, जैव संदिप्त, ठीक है? तो जैव संदिप्त कहने का अर्थ हुआ कि उसका शरीर से लाइट सिक्रेट हो, यानी एक जैसा बल्ब के जैसा काम करे, ठीक है? तो वो कौन है, वो पादप जगत के, सब में तो ऐसा होता नहीं है, पादप जगत नहीं, जो एनिमल किंगडम है उसमें कौन सा संघ ऐसा है जिसमें कि ये फीचर पाया जाता है, तो वन एंड ओनली टीनोफोरा है। कौन है, टीनोफोरा है, क्या है, टीनोफोरा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टीना को जब फोड़ेंगे तो लाइट जलेगा ही, चिंगारी फेंकेगा ना, टीना लोहा का होता है, और उसको जब काटेंगे यानी फोड़ेंगे तो चिंगारी फेंकेगा जिससे लाइट आएगा। तो हमने इसी तरीके से याद रखा है कि टीना को फोड़ते हैं तो लाइट आता है, तो इसी कारण से टीनोफोरा जो है, टीनोफोरा में क्या है, जैव संदिप्त का उदाहरण है, यानी जैव संदिप्त यानी बॉडी से लाइट निकलता है, ठीक है? फिर टीनोफोरा का कुछ एग्जाम्पल भी है जो कि आपको याद रखना है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये प्लूरोब्रैंकिया है, क्या है, प्लूरोब्रैंकिया, प्लियोरोब्रेकिया, और एक है एग्जाम्पल टीनोप्लेना। आपके एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। मैंने इस बार सिर्फ प्रश्नकाल सीरीज करवाए हैं, लेकिन अगले बार जो मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन करूंगा ना, फिर पता चलेगा कि कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वहाँ से फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहीं को पूरा कवर कर लिया ना, लेकिन इस बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और अब ये नहीं सोचना है कि हमारे पास क्या नहीं किया हुआ है, जो किया हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा क्या, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा क्या क्या होता है, प्लियोरोब्रैकिया होता है और टीनोप्लाना होता है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के हीमोसील कितने भागों में बटे होते हैं? देखिए जी, सीधा आपको जमनना है कि कॉकरोच का जो हीमोसील है उसका डायफ्राम उसको तीन भाग में बांट देता है। कितना भाग में बांट देता है, तीन भाग में। कॉकरोच के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना है। अब पूरे डिटेल में बताने लगूंगा तो वो डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है कॉकरोच, लेकिन आपको उतना अभी नहीं समझना है। सीधा आप जो क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए कि कॉकरोच का जो हीमोसील होता है कितने भागों में बांटी जाती है, तो उसका डायफ्राम उसको तीन भाग में बांट देता है, क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के कोलेट्रल ग्रंथि, कॉकरोच के
कॉकरोच में जो कोलेट्रल ग्रंथि होती है वो संबंधित है। देखिए जो सिर्फ कॉकरोच का बात नहीं है, ये हर एक इंसेक्ट में पाया जाता है, यानी हर एक जो कीड़ा होता है इंसेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा? कोलेट्रल ग्रंथि, जो कि याद रखिएगा महिला से रिलेटेड है। किससे? महिला यानी फीमेल इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो फीमेल इंसेक्ट में कोलेट्रल ग्लैंड इस प्रकार से पाया जाता है। ये क्या करता है? तो ओवी जो ओवम बनता है ना, जो क्या बनता है? अंडा बनता है, एग बनता है, उसका ये एक प्रकार से क्या करता है? एग में हेल्प करता है। क्या करता है? एग जो बनता है उसमें हेल्प करता है। कौन सा ग्रंथि? कोलेट्रल ग्रंथि। ओके, अब किस प्रकार से हेल्प करता है वो इस लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा, वो कम से कम 5 मिनट के लेक्चर में बताऊंगा कि 2 रोज ऑफ जो 2 रो होता है एग का उसको प्रिवेंट करता है कौन? कोलेट्रल ग्रंथि। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए कि जो कोलेट्रल ग्लैंड है वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है, सिर्फ कॉकरोच में ही नहीं बल्कि जितना भी इंसेक्ट है सब में पाया जाता है, और ये फीमेल में पाया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? जनन से रिलेटेड है। किससे? रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। कौन सा ग्रंथि? कोलेट्रल ग्रंथि। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनन से। कॉकरोच में जो कोलेट्रल ग्रंथि संबंधित है वो किससे है? जनन से संबंधित है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण वृक्क के वृक्काणुओं, एक सेकंड मैं ज़ूम कर देता हूँ, मूत्र का निर्माण क्या है? मूत्र का निर्माण वृक्क के वृक्काणुओं में होता है, इसका वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो भैया लिडविग साहब ने किया था। किसने किया था? लिडविग साहब ने किया था। कहा था मूत्र का जो निर्माण होता है वृक्क यानी क्या? किडनी, और किडनी के अंदर वृक्काणु पाए जाते हैं यानी हिपेटोसाइट पाए जाते हैं। क्या? सॉरी हिपेटोसाइट लीवर के सेल को कहते हैं, वृक्क के वृक्काणु यानी नेफ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो वृक्क के वृक्काणुओं किसमें? वृक्क के वृक्काणुओं में होता है, यानी किडनी के जो अंदर कोशिका पाई जाती है वृक्काणु पाए जाते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट, वो क्या है? मूत्र का निर्माण होता है। ओके, तो कौन बोला था? लिडविग साहब ने बोला था। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र की G2 प्रावस्था में होता है। मैंने सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से करा दिए हैं जो कि जनरली क्वेश्चन आते हैं। क्या कि आपको याद रखना है सेल 1 C G1 में क्या होता है? देखिए सेल साइकिल है क्या? तो सेल को डिवाइड करने के लिए एक साइकिल का जरूरत पड़ता है जिसे हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। फिर उस सेल साइकिल को 2 फेज में बांटा जाता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है M फेज। क्लियर? पहले कॉन्सेप्ट समझिए इंटरफेज और M फेज। इंटरफेज को जनरली प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी तैयारी वाला फेज, जिसमें कि सेल का डिवीजन के लिए तैयारी चलता है, डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जैसे कि आप कहीं यदि अमरनाथ या फिर वैष्णो देवी घूमने जाओगे तो उससे पहले आप क्या करोगे? बोरिया बिस्तर बांधोगे ना, रेडी होगे, तो वो जो रेडी होना है वो इंटरफेज कहलाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअली में ट्रेन पे बैठ जाओगे और घूमने निकल जाओगे तब आपका M फेज कहलाएगा, यानी एक्चुअली में सेल डिवाइड करता है। ओके, तो कुछ ऐसा बात होता है। इंटरफेज को फिर 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में सेल का ग्रोथ होता है, S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है। DNA का रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि DNA रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो S फेज में होता है। और जो फाइनली अब प्रिपेयर होगा किसके लिए? माइटोसिस के लिए, यानी समसूत्री विभाजन के लिए, तो G2 फेज में होता है। ओके, फिर M फेज को हम लोग 5 पार्ट्स में बांटते हैं। उसका ट्रिक है PM@cytokinesis। क्या है? PM@cytokinesis, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस फेज में पूरा माइटो एम फेज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डिटेल में पढ़ना है लेकिन मैं यहाँ पे उतना नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ आपको इतना बता दिया कि एम फेज में इतना होता है। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? फाइनली सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, और जो सेल डिवाइड नहीं करता है वो जीनोड फेज में रहता है। किस में रहता है? जीनोड फेज में रहता है। अब जनरली जो अगर आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आया सेल डिवीजन से तो बन जाना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र की G2 प्रावस्था में क्या होता है, तो G2 प्रावस्था में क्या होता है? प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और प्रिपरेशन मतलब क्या? तैयारी। तो विभाजन की तैयारी होती है। क्या होती है? विभाजन की तैयारी होती है। उसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कोशिका चक्र के G1 फेज में क्या होता है, तो सेल का ग्रोथ होता है यानी कोशिका की वृद्धि होती है। S फेज में क्या होता है? DNA का रेप्लिकेशन होता है। फिर बोलेगा कि जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो जीनोड अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से कुछ हमारे ये मॉडल पेपर सीरीज का पार्ट 2 कवर हुआ। अब कल हमारा 2020 का कल 9:30 बजे आपका पर डे 9:30 AM में सुबह में क्लासेस होंगी, जो कि
मॉडल पेपर सीरीज को हम लोग खत्म करेंगे और रात के 9 बजे क्लासेस होंगी, जिसमें कि हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे, पहले रिविजन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर रात वाली क्लासेस हो सके रेगुलर ना हो पाए, लेकिन मॉर्निंग वाली पर डे रेगुलर होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से अगर मुझे समय मिला तो मैं क्लासेस लूँगा रात को भी, अगर नहीं मिला तो नहीं लूँगा। इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब रात के क्लास में, आज रात में भी हम लोग रिविज़न करेंगे, ओके। फिर हम लोग कल सुबह में हम लोग मॉडल पेपर 2020 को ख़त्म कर देंगे, ओके। आपको डरना नहीं है अभी के टाइम में, अभी ये नहीं सोचना है कि हमने क्या नहीं पढ़ा है, ये सोचिए कि हमने पढ़ा क्या है और उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि यदि आपका चीज़ जो चीज़ों को जानते होंगे उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आए और आपका गलत हो जाए तो फिर तो आपके लिए भाई ये तो भारी प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी पढ़ते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है। फिजिक्स में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। और देखिए बात ऐसा है कि आप लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सर डिस्कशन कर दीजिए, एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नहीं है, बस 1-2 साल का अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपके ऐप पर डाला हुआ है, ठीक है। हम लोग झूठ का कुछ नहीं बोलते हैं, जो सच्चाई है वो आपको बता देते हैं कि जब से देखिए 2020 से तो पेपर ऑनलाइन होने लगा, क्या होने लगा, ऑनलाइन होने लगा, तब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं। और जो 2019-18 का है वो है हमारे पास, लेकिन उससे पहले का प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास नहीं है। अगर इसका और हम जो भी प्रीवियस ईयर देखे हैं ये पेपर, उसके अकॉर्डिंग हमने जब इस मॉडल पेपर सीरीज को देखा तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ही आपके एग्जाम में आएगा, ये गलत मॉडल पेपर नहीं है, मिला जुला के क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे आपके क्वेश्चन में, आपको डरना नहीं है। अब आप चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कीजिए, जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उसको रिवाइज कर करके माइंड में स्टोर कीजिए और सब जांच के अप्लाई कीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम में यदि आपको क्वेश्चन नहीं पता हो, एग्जाम में अगर आपको लगे ये क्वेश्चन मैं नहीं जानता, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद चारों ऑप्शन भी पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद उसमें से यदि आप 2 ऑप्शन भी छांट लेते हैं, कितना, कम से कम 2 ऑप्शन पे कंफर्म हो जाते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आप उसके बाद फिर टिक कर देंगे, फिर कोई ना कोई एक ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है, आपका सही क्वेश्चन का आंसर भी फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सर, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, और आपको ये भी नहीं डरना है कि एग्ज़ाम कैसे देंगे सर, हम तो कंप्यूटर नहीं चलाते हैं। भैया वहाँ पर जो भी बच्चे जाते हैं वो सबको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, वहाँ पर बस कुछ नहीं है, एक माउस से आंसर टिक करना रहता है, वहाँ पर आपको सब बता दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। अब आप फालतू चीज़ों पे टाइम ना दें, एग्ज़ाम कैसे दें, एडमिट कार्ड कैसे देखें, ये क्या करें, वो सब फालतू सेशन होते हैं ना, मैं जो भी इंपॉर्टेंट मैं उस तरीके के क्लास ही नहीं बनाता ना एक्चुअली में, क्योंकि वो सब टाइम वेस्टेज है, ठीक है। हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है कि मैं वो फालतू टॉपिक्स आपको उठा करके बताते रहूं, और आपके पास भी उतना टाइम नहीं होना चाहिए कि वो सब फालतू चीज़ें देखते रहें। आप बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आप बस पढ़ाई कीजिए, और आप अपने एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड को रख लीजिएगा अपने पास, ओरिजिनल आधार कार्ड। और हाँ, सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम डेट को कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जब आप वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या सभी बच्चों का, जितना भी ग्रुप ही है बायोलॉजी वाले बच्चे का, 29 तारीख को ही एग्ज़ाम है, और शिफ्ट भी लिखिएगा, Shift 1, Shift 2, Shift 3, ठीक है। तो इससे मेरे को पता चलेगा ताकि मैं कुछ प्लान कर सकूं। लास्ट टाइम में मैंने सोच रहा हूं कि मैराथन क्लास चलाऊंगा, 2-3 घंटे की क्लासेस चलेंगी, जिसमें कि एक बार में कंप्लीट कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, बार बार बायोलॉजी को रिविजन करेंगे, बायो में कोई टेंशन नहीं होने देंगे, इतना कम समय में इतना बायोलॉजी कवर करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, ये भी मतलब अच्छा हम लोग कर चुके हैं, इसके लिए आपको डरना नहीं है यदि आप शुरुआत से फॉलो किए हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, कम से कम 1-2 बार आप दिन रात करके देख लीजिएगा 1.5x पे, तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर रात के क्लास में, ओके, बाय बाय।